नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक छोटे से टॉपिक को देखेंगे। कई बार जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें आर्टिकल 1 से 51A तक तो अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन जब हम आर्टिकल 52 से आगे बढ़ते तो हम जुडिशरी वाले समझ ही नहीं पाते कि हमें आगे पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना क्या नहीं। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू टाइप से चलता है, एक चलता है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चलता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे IAS का एग्जाम होता है या PCS के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या जुडिशरी के लिए सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आते हैं? हाँ जी, इन दिनों आप देखिएगा हर जुडिशरी पीछे वाले पार्ट को भी कवर अप कर रही है, तो हमें देखना कैसे क्या करना है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं पार्ट फाइव की तरफ। तो ये है हमारा पार्ट फाइव और पार्ट फाइव कहता है द यूनियन। जब द यूनियन आपको पढ़ना है तो आप देखेंगे आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 51 पे खत्म। तो 52 के बाद 51 कैसे आएगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है 1 लग जाएगा। तो याद करना इजी हुआ, 52 से स्टार्ट होता है और 151 पे खत्म हो जाता है। फिर देखें यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पे पार्ट वर्ड यूज़ किया गया। तो इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को डिवाइड किया चैप्टर्स में। क्या कहा मैंने, पार्ट को डिवाइड किया चैप्टर्स में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका एग्जीक्यूटिव की बात करता है। याद है जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हम हमेशा दो वर्ड बोलते, तीन चीज़ बोलते थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ठीक वैसे यहाँ पे पहला पार्ट जो हमारा एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, जो आता है हमारे पास आर्टिकल 52 से लगाकर 78 तक। फिर उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आती है पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है, 79 से लगाकर 122। प्री का एक क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट किन से मिलकर बनती है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पार्लियामेंट किन से मिलकर बनती है। नंबर ए लोकसभा, नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, सी प्रेसिडेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारा पार्लियामेंट इनमें से किन से मिलकर बनता है। फिर से ऑप्शन बोल रही हूं, पहला लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, दूसरा लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल स्टेट ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट, तीसरा आता प्रेसिडेंट और डी आता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पार आती है हमारे पास, फिर लेजिस्लेचर आता है, तो थर्ड वन जो है वो कहता है लेजिस्लेटिव पार। किसकी लेजिस्लेटिव पार, प्रेसिडेंट की, 123, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं जिसे हम, ऑर्डिनेंस। तो आ गया हमारे पास एग्जीक्यूटिव, आ गया हमारे पास लेजिस्लेचर, आ गया तो अब कौन आएगी हमारे पास, जुडिशरी। तो आता है द इंडियन जुडिशरी, जिसको शॉर्टकट में बेटा हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ से कहाँ तक है, 124 से 147 और देन आता है हमारे पास कैग, CAG कैग। तो पार्ट नंबर 5 हमारा कहता है कैग, जो आता है अपने पास 148 से 152, 151, 151 तक किया ना अपने, 151, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पार्ट फाइव को चार चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव बन गया, 2 आपका पार्लियामेंट बन गया, 3 आपका ऑर्डिनेंस आ गया, 4 आपका जुडिशरी आ गई और 5 आपका कैग आ गया। तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, कोई इशू है ही नहीं। अब हम चलते प्रेसिडेंट में, क्या क्या हमारे लिए काम का है। तो हमने क्या किया, इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने क्या किया, इसका पहला पार्ट बना दिया प्रेसिडेंट 52 से 62 तक, ठीक है। फिर मैंने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट, जो मेरी बात करता 63 से, है ना, तो 63 से मेरा चला जाएगा आपके 63 से 71 तक, 71 तक। फिर यहाँ से मैंने बना दिया यहाँ पे पार्डन की पार, 72 से 73 तक। फिर हमारे पास चौथा हो गया 74 से 75 तक। फिर हमारे पास हो गया 5.76 अटॉर्नी जनरल, है ना, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ गया जो लास्ट आता है हमारे पास छठा 77 से 78 तक।
यानी क्या केस एग्जीक्यूटिव जो है उसको भी डिवाइड कर दिया ताकि याद होना इजी हो जाए। तो पहला बना दिया मैंने प्रेसिडेंट जो 52 से 62 है, फिर मैंने बना दिया आपका वाइस प्रेसिडेंट जो 63 से लगा के 71 तक है, फिर आ गए हमारे पास पार्डन की पार प्रेसिडेंट के 72 से 73, फिर आ गए हमारे पास क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद आ गए हमारे पास सारे के सारे जो बात करता है 74 से 75, और फिर कंडक्ट आ गए इनका बिजनेस क्या क्या ये लोग काम करेंगे 70, फिर 76 आ गए अटॉर्नी जनरल, और देन आ गए 77 से 78 इनका कंडक्ट बिजनेस क्या क्या करेंगे। तो ऐसे करके उसको याद करने के लिए और इजी कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम उठाते हैं प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे आ जाता हमारे पास प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का ब्लॉक हमने कहाँ से कहाँ तक बनाया 52 से लगाकर 62 तक। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का अपना एक प्रेसिडेंट होगा, क्या कहा इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, कोई डाउट नो डाउट सही है इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है सबको ही पता है, तो चैट बॉक्स उनका नाम लिखिएगा कि अभी हमारे पास प्रेसिडेंट कौन है। फिर आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है इसके पास हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसकी होगी प्रेसिडेंट के पास। क्लोज वन के तब प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, क्लोज टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो यहाँ पे आर्मी नेवी वगैरह फोर्सेज जो हैं इन सबका हेड कौन होता है प्रेसिडेंट होता है, इन सबका हेड प्रेसिडेंट होता है। और क्लोज थ्री कहता है आपका बैरेक्ट अपना खोल के रखेगा, क्लोज थ्री कहता है कि पार्लियामेंट जब जब जरूरत पड़ेगी तो प्रेसिडेंट की पार किसी और को भी दे सकती है मतलब स्टेट में, और हर स्टेट में गवर्नर के पास जो पार है गवर्नर के पास रहेगी, वो अपनी पार यूज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे देने से उनकी पार को कम नहीं किया जा सकता है। तो 52 के तब प्रेसिडेंट आएगा, 53 के तब एग्जीक्यूटिव पार देंगे। 54 कहता है आर्टिकल 54 कहता है चलो इलेक्शन करा देते हैं, इसके इलेक्शन में कौन हो गया बेटा लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के दोनों मेंबर दोनों क्या बोलते हैं सदनों के मेंबर्स होंगे और राज्य विधान परिषद के मेंबर्स होंगे। तो 54 का इनके इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सारे मेंबर्स होंगे जिनके अपॉइंटमेंट आम जनता करती है। तो 52 में कौन आया प्रेसिडेंट आया, 53 में क्या किया उसको एग्जीक्यूटिव पावर दे दी, 54 में क्या किया उसका इलेक्शन कर दिया, 55 में उसका मैनर क्या कहा आर्टिकल 55 में मैनर। अब देखो जुडिशरी वाले बच्चों जब 55 देखोगे तो उसमें क्लोज वन क्लोज टू और क्लोज थ्री दिया हुआ है, तो क्लोज वन और क्लोज टू हमारे जुडिशरी के लिए कोई काम का नहीं है, तो हमें सिर्फ थ्री पढ़ना है क्योंकि देखो अति सर्वजते अति सर्वतः वर्जते अधिक पढ़ना भी हानिकारक है, हमें ज्ञाता तो बनना नहीं है, हमें तो सिर्फ जज बनना है। मैं सारा पढ़ती हूँ इसलिए कोचिंग चलाना पड़ रहा है, अगर मैं स्मार्ट स्टडी करती तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि कई बार हमें लगता कि ये आ गया तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने से ओवरलैपिंग हो जाती है, तो कई बार हमें चीज़ें स्किप करना जरूरी होता है। तो जब 55 आप देखेंगे तो 55 का आप देखिए क्लोज वन और क्लोज टू हमारे जुडिशरी के लिए कोई काम का नहीं है। तो आइए क्लोज नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, और क्लोज थ्री जो है आपका वो आप ऑलरेडी कहीं बार पढ़ चुके हैं, जब आप सिक्स स्टैंडर्ड में थे, छठी क्लास में थे, सातवीं में थे, आठवीं क्लास में थे, नवीं में थे, याद है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होगा, गुप्त मतदान होगा, सीक्रेट होगा, तो क्लोज थ्री हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस ये याद रखना है कि सीक्रेट बैलेट के लिए होता है और सिंगल वोट होता है हमारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। देन आता आपके पास तो 52 में प्रेसिडेंट होगा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दे देंगे, 54 में उसका इलेक्शन करेंगे और 55 में उसका मैंने बताएंगे। 56 में प्रेसिडेंट साहब की टर्म आवर कितना होगा यानी कितना कार्यकाल होगा, तो 56 में हमारी भाषा में कहते हैं कितना कार्यकाल होगा, तो राष्ट्रपति जी 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बट 5 ईयर्स से पहले भी राष्ट्रपति जी अपने पद से हट सकते, कब हट सकते तो इसके आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, लोगों को लगता है लोकसभा स्पीकर को नहीं, राष्ट्रपति जी अपना रेजिग्नेशन 5 साल से पहले वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। राष्ट्रपति जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो 5 साल से पहले भी उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं यानी आर्टिकल 61। याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट वर्ड जो है उसे प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है, जबकि न्यूज़पेपर में जब आप देखते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, जबकि अखबार वाले गलत कर रहे हैं, है ही नहीं इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का, उनका तो रिमूवल ऑफ सीट्स होता है, तो वो न्यूज़ वाले भैया उनको थोड़ी पता लॉ क्या होता है, हम लोगों को पता होता है लॉ क्या होता है, ठीक है। और तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति जी अपने पद पर तब तक ग्रहण रहेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। चलिए आगे चलते हैं वापस। तो 52 के तक प्रेसिडेंट होगा, 53 के तक एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 54 कहता है इलेक्शन करेंगे, 55 कहता है कि मैनर क्या होगा, 56 कहता है टर्म आर क्या होगी, 57 क्या इनको वापस अपॉइंट कर सकते हैं यानी रीअपॉइंट हो सकता है, यस रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो एक पर्सन कितनी बार भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है।
हाँ जी रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। 58 के तक क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई इनकी? क्वालिफिकेशन पहला इंडिया का व्यक्ति होना चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, यानी कोई अदर बेनिफिशियरी कोई भी पोस्ट उनके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सब तैयार है, हम प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई है हमारे पास। नाउ 59 के तक कंडीशन, नौकरी देने से पहले शर्तें बतानी पड़ेगी। देखिए भैया आपके पास ये कंडीशन है, आप यहाँ रहिए, दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, किसी भी क्या बोलते हैं सदन के मेंबर नहीं होंगे, मेंबर होते तो आपको यहाँ आते ही वहाँ से मेंबरशिप हटानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, 59 का क्लोज 4 देखेंगे, क्लोज 4 के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे आर्टिकल 360। क्यों लिखाया ध्यान से देखो, क्लोज 4 कहता है किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट की सैलरी कम नहीं होगी, यानी अगर आर्टिकल 360 लगता है, आर्टिकल 360 लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो एकमात्र बंदा है जिसकी सैलरी कभी भी डिडक्ट नहीं की जाएगी, बाकी सबकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी लग सकती थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कोरोना में लग सकती थी, लेकिन नहीं लगाई, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम सबको ही पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट की कभी भी सैलरी कम नहीं की जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं की जाएगी। तो बनो तो प्रेसिडेंट बनो, फिर और क्या बनना है। और देन आता 60, और 60 के तब प्रेसिडेंट साहब की ऑथ लेंगे। क्या करेंगे प्रेसिडेंट साहब? ऑथ। सबसे अच्छी बात पता क्या है, प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाएगा? जुडिशरी, यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन द केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जज है वो दिलाएंगे। तो प्रेसिडेंट बन के भी हमें ऑथ तो हम ही दिलाने वाले, जुडिशरी वाले। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और देखो, हमारे जो भी हम लोग अपॉइंट होते हैं किसी भी फील्ड में, तो हम सबकी क्या बोलते हैं ऑथ होती हैं, और हम सबकी ऑथ होती हैं शेड्यूल नंबर 3 के तहत, शेड्यूल अनुसूची है ना भाई, शेड्यूल 3 में। लेकिन तीन लोग हैं जिनकी ऑथ आर्टिकल्स में 60, फिर 69 और 159। 69 से यहाँ पे आपके एक जीरो से यहाँ पे लाइन खींचे तो 69 बन गया, तो 60 में प्रेसिडेंट की है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट की है, और 159 में गवर्नर की है। तो ये तीन लोगों की ऑथ जो है वो यहाँ पर दी गई है, बाकी सबकी ऑथ शेड्यूल 3 में ली जाती है। और देन आता आपके पास 61 इज अ इम्पीचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है, प्री प्लस मेन का क्वेश्चन। अभी तक जितने पढ़ा प्री के क्वेश्चन है नॉलेज के लिए है, अब प्री प्लस मेन है, इम्पीचमेंट कैसे होगा? नंबर 1 कहता है जैसे तुम कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करोगे हम आपका इम्पीचमेंट करेंगे, उसके लिए आपको 14 दिन का पहले हमें नोटिस देना होगा, नोटिस के समय उस समय सदन में जितने लोग अवेलेबल उनके 1/4 के द्वारा वेरीफाई करना होगा, और सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 के द्वारा बहुमत के आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन से प्रूव होता है कि यस प्रेसिडेंट ने वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पूरे सदन के, यानी सदन लोकसभा राज्यसभा के सारे लोगों से मिलकर जो बना हुआ है उनके 2/3 बहुमत के आधार पर प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से इम्पीच कर दिया जाएगा, उनकी पोस्ट से उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। देन आता आपके पास 62, और 62 के तक किसी कारण से प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, या तो उनकी डेथ हो जाती है, या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना, या उनको इम्पीचमेंट से निकाल दिया जाता है, तो उसके से विद इन 6 मंथ में, कितने महीने के अंदर बेटा, विद इन 6 मंथ में हमें दूसरी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सरप्राइज है, लोगों को लगता है 6 महीने में जो अपॉइंट करेंगे तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए रहेगा, नहीं, यहाँ पे जिनको भी हम अपॉइंट करेंगे वो फिर से 5 ईयर्स के लिए रहेंगे, यही हमारा फ्री का सवाल है, 5 ईयर्स, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा जो रिमेनिंग टाइम पीरियड उनके लिए रखेंगे, नहीं उनके लिए नहीं रखेंगे, 6 मंथ के अंदर फिर से पोस्ट भरेंगे, और जो भी नया प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा वो पूरे 5 साल के लिए रहेगा, पूरे 5 साल के लिए रहेगा। तो 52 के तक प्रेसिडेंट को लाओ, 53 के तक एग्जीक्यूटिव पावर दे दो, 54 के तक इलेक्शन करा लो, 55 के तक माइनर बता दो। तो 56 कहता है टर्म आवर कितना होगा, 57 के तक अपॉइंट करो, 58 के तक क्वालिफिकेशन क्या होगी, 59 के तक कंडीशन बता दो, 60 कहता ऑथ दिला दो, 61 कहता इम्पीचमेंट करो इनका, और 62 कहता कंटीजेंसीज जो पोस्ट होते उसके लिए कब किसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा प्रेसिडेंट है, और जैसे समय मिलेगा तो इस पूरे पार्ट को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो एक छोटा सा वे है किस तरह से पढ़ना होता है, कितना इजी वे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत पागलों की तरह गहराई में एक एक आर्टिकल को पागलों की तरह पढ़ने से अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में सफिशिएंट होता है। ठीक है, वैसे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है,
दोनों ही क्लासेस हमारी जो है लाइव क्लासेस चलती हैं। आप हमें क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान जोधपुर में ये सेंटेंस सिचुएटेड है, आप यहाँ आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में आने से पहले आपको लगता है मैं देखना चाहती हूँ कैसे पढ़ाते हैं, तो 3 डेज का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके आप देख सकते हैं, और देन आप उसको कंट्री ज्वाइन करने के लिए फीस सबमिट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हर स्टेट कोई प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, जुडिशी की लोअर जुडिशी भी कराते हैं, हायर जुडिशी भी कराते हैं, हर स्टेट की टेस्ट सीरीज भी चलती है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की फीस जानकारी चाहिए तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।